हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका निकू चौधरी में। आज की रिएक्शन वीडियो है अरमान मलिक की फैमिली के बारे में। अरमान मलिक की फैमिली में आए दिन कोई ना कोई हंगामा चलता रहता है। कभी कोई नया क्रिएटर आके अरमान मलिक की पोल खोलने लगता है, तो कभी इनकी अपने बहनों से झगड़ा हो जाता है, कभी अरमान मलिक का भाई इनसे नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है, तो कभी भाभी भाई से नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है। अभी फ़िलहाल जो इनकी घर की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, उसमें इनकी भाभी सरोज घर छोड़कर चली गई है और उसके बाद में उन्होंने सबके ऊपर काफ़ी कुछ एलिगेशन लगाए। अरमान मलिक ने एक दो वीडियो में उनका रिप्लाई दिया, लेकिन फिर उन्होंने भी रिप्लाई देना बंद कर दिया। इस पे बात आई बहनों की। जब बहनों ने बोलना शुरू किया तो सरोज ने भी रिप्लाई में बहुत कुछ बोला। इतना ही नहीं, एक दूसरे के कैरेक्टर तक बात आ गई, जिसमें सुनीता को सबसे गंदा बोला गया। सुनीता को ये तक बोला गया कि वो तो 500-500 रुपए में जाती है। बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और बहुत कुछ हुआ। इसके बाद में वीडियो डिलीट होने का सिलसिला हुआ, जहां पर एक तरफ सुनीता के ऊपर सरोज ने एलिगेशन लगाया कि वीडियो डिलीट नहीं कर रही है मेरी। उससे पहले ही सुनीता उनकी सारी वीडियो डिलीट कर चुकी थी और वो वीडियो भी नहीं डाल रही थी, लेकिन फिर भी सरोज ने इल्ज़ाम लगाया। बहुत सारे इंजाम लगाने के बाद में सरोज की जो वीडियो है वो सभी वीडियो उन्होंने हाइड कर दी, लेकिन वो वीडियो हाइड करने में उन्हें 1 से 2 हफ्ता लगा, जिसमें कि काफ़ी सारी रीच मिल चुकी थी, यानी जितनी मिलनी थी वो मिल चुकी थी। उसके बाद में वो वीडियो हाइड की गई, प्राइवेट की गई। साथ ही सुनीता का इंटरव्यू तक डिलीट करवा दिया गया दूसरे चैनल पर। ये सब किसने करवाया है, कौन डिलीट करवा रहा है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है शायद ये सब अरमान मलिक के कहने पर हुआ है, क्योंकि अरमान मलिक ने ही जो कुलदीप है उनका भी चैनल अब बंद करवा दिया है, वीडियो डलवानी बंद करवा दी है, क्योंकि कुलदीप भी इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा ना बन जाए, वो कुछ बोल ना दे, क्योंकि वो बहनों का फेवर नहीं कर रहे थे, बहनों को धमकी देने की बात आ रही थी। तो इस वजह से अरमान मलिक ने उनकी वीडियो ही बंद करवा दी कि कहीं ये कुछ ना बोले। पर यहाँ पर सुनीता जो है वो उनके अभी कंडीशन ये है कि उनकी तबीयत खराब चल रही है और सपना उनके पास में गई हुई है। रिसेंटली सपना उनके पास से व्लॉगिंग कर रही है। सपना ने वहाँ पर एक वीडियो बनाई जिसमें एक प्रैंक किया सुनीता के साथ। प्रैंक में उन्होंने बहुत सी बातें बोल दी। सुनीता बस चुप बैठी सुनती रही और थोड़े बहुत रिप्लाई देती रही। वहाँ पर सपना ने कहा कि तुम मुझे यहाँ व्लॉगिंग नहीं करने दे रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी व्लॉगिंग ना करूँ, क्यों ना करूँ, तुम भी अब इन चीज़ों से बाहर निकलो। सुनीता को ये तक धमकी दे दी सपना ने कि अगर तुम बाहर नहीं निकली, घूमने नहीं चली, तो हम छोड़कर चले जाएंगे तुम्हें ऐसे के ऐसे ही। अब बहुत कुछ वहाँ पर किया, लेकिन बाद में बता दिया कि भाई ये प्रैंक है और सब चीज़ें लोगों को पता चल गई। लेकिन वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लोगों ने कुछ और ही बोलना शुरू कर दिया। लोगों का कहना ये था कि सुनीता को घूमने जाना था, घूमने जाने के टाइम वो नॉर्मल दिखाई दे और घर में यहाँ पर वो सैड और बीमार दिखाई दे रही है, इस वजह से नाटक किया जा रहा है कि जिससे कि बाद में बोल सके कि हम तो सुनीता को ज़बरदस्ती लेके गए थे और वो हमारे कहने पर ही खुश थी, हमारे कहने पर ही इतनी अच्छी तरीके से हमसे बातें कर रही थी। हालांकि वहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। सुनीता के साथ में जो हुआ है, कैरेक्टर को इतनी बुरी तरीके से बोला गया है, उसमें किसी भी महिला का इस तरीके से दुखी होना, परेशान होना जायज़ है और ये सभी के साथ में होता है। सुनीता हमेशा यही कहती हुई है आ रही है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अब सब कुछ भूल के आगे बढ़ने लगूँ तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे टोंट कसेंगे। तो सुनीता से एक ही सवाल है कि कब तक लोगों के बारे में सोचती रहोगे? अगर आप लोगों के बारे में सोचते पहले ही, तो आप शायद अपने घर को और वो जो आपके साथ में वहाँ बीत रहा था वो भी आप छोड़कर ना आ पाते। अभी आपको टाइम है, हाई टाइम है कि आप आगे बढ़े और इन सब चीज़ों से निकले, क्योंकि जहाँ एक तरफ इतना कुछ होने के बाद में सुनीता जो है वो परेशान है, वहीं पर सरोज को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सरोज ने अब अपनी दूसरी शादी को भी एक्सेप्ट कर लिया। वो सरोज दो अपनी नंदों को हमेशा टोंट कसती रहती थी कि भाई छोड़ दिया छोड़ दिया, वो सरोज अब खुले आम एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ भाई मेरी दूसरी शादी हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपसे एक्सेप्ट करवाया गया है क्योंकि आपकी सच्चाई सामने आई है, लेकिन अब तो खुद आगे से आकर बोल रही हो अपने नंदों के बारे में। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इनकी कॉन्ट्रोवर्सी यहीं पर ख़त्म हुई हो। सोशल मीडिया आज के टाइम में व्लॉगिंग कम और फैमिली अखाड़ा ज़्यादा बन गया है, जिस पर हम लोग रिएक्शन लेके आते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।